सो हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। और इस वीडियो में हम जिस इंजीनियरिंग कॉलेज का रिव्यू करने वाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, उसका नाम है पुणे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एसोसिएशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, बराबर। इसको शॉर्ट में PDEA कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ऐसा भी बोला जाता है, ठीक है। तो कॉलेज का कैंपस आप देख सकते हो, एक फ़ोटो मैंने यहाँ पर आपके सामने दिखाने के लिए, रेफरेंस के लिए दिया हुआ है, बराबर। तो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं हम कॉलेज के बारे में। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो सारी चीज़ें, मतलब कट ऑफ हो गया लास्ट ईयर का, फीस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, प्लेसमेंट है या नहीं ये भी देखेंगे, कौन से कोर्सेस हैं, सारी बेसिक चीज़ें जो कि आपके लिए ज़रूरी होती है एडमिशन के दौरान, बराबर, जो इन्फॉर्मेशन वो सारी यहाँ पर देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर। इंस्टीट्यूट का नाम तो मैंने बता दिया, 1998 का कॉलेज है, तो पुराना कॉलेज है। 6206 DT कोड है। ऑफिस का कांटेक्ट भी है, आप डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हो कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो। पुणे DT रीजन डिस्ट्रिक्ट पुणे है, हड़पसर मांजरी रोड, इस रोड पर ये कॉलेज है। मांजरी BK मतलब बुद्रुक, डिस्ट्रिक्ट पुणे। मांजरी नाम का एक प्लेस है पुणे के अंदर, वहाँ पर ये कॉलेज लोकेटेड है। पिन कोड देख सकते हो और कॉलेज का ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस भी आप चेकआउट कर सकते हो। प्राइवेट कॉलेज है, नॉन ऑटोनॉमस है और नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, बराबर। उसके बाद हम देखते हैं कैसे पहुंच सकते हो आप कॉलेज को। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पुणे का जो रेलवे स्टेशन है वो 12 किलोमीटर दूर है वहाँ से। बस स्टैंड जो स्वारगेट है 10 किलोमीटर दूर है, और एयरपोर्ट पुणे का 15 किलोमीटर दूर है। BE डिग्री मिलेगी आपको यहाँ से, और ये पुणे यूनिवर्सिटी का एफिलिएट है। उसके बाद बात करते हैं हॉस्टल के बारे में। तो बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दोनों यहाँ पर अवेलेबल है। इंटेक देखते हैं तो बॉयज़ हॉस्टल का इंटेक है 135, फर्स्ट ईयर के लिए 100 सीट्स है, और गर्ल्स हॉस्टल में 100 टोटल इंटेक है और फर्स्ट ईयर के लिए 75 सीट्स है, ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सिर्फ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 ही कोर्सेज अवेलेबल है, तो कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल। तो कंप्यूटर का इंटेक अच्छा है यहाँ पर, 150 इंटेक है 1998, मतलब स्टार्टिंग में कंप्यूटर शुरू हुआ था, बराबर, स्टार्टिंग से है। IT जो है वो लेट थोड़ा शुरू हुआ 2001 में, 3 साल बाद। 60 इंटेक है, ENTC का 30 इंटेक है और मैकेनिकल का 60 इंटेक है, बराबर। तो 4 कोर्सेस है यहाँ पर इस कॉलेज में आपके लिए। तो आगे बात करते हैं हम, तो प्लेसमेंट देखने के लिए क्या करते हैं, हम कॉलेज की वेबसाइट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉलेज की वेबसाइट में आ चुका हूँ मैं, और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ओपन करते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है देखते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट है, आपको दिखाना है मुझे कि कंपनियाँ कौन सी है। ओके, आवर रिक्रूटर्स में जाते हैं तो ये लिस्ट देखो, NSE, इन्फोटेक, ADP, विप्रो, एक्सटेंशिया इन्फोटेक, ओके, WNS सॉफ्टवेयर, JSPM, PE, पटनी, टेक महिंद्रा, हरबिंजर, ओरेकल। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियों के भी नाम हैं और कुछ मीडियम स्केल कंपनियों के भी नाम हैं। तो बहुत सारी कंपनियों के नाम आपने ऑलरेडी सुने ही होंगे। तो इन्होंने बोला है कि आवर मेजर रिक्रूटर्स, मतलब इन कंपनियों में आवर रिक्रूटर्स फॉर लास्ट 3 ईयर्स, इन कंपनियों में हमारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। मतलब इससे हम ये पता कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है, बराबर, यहाँ पर अगर इन्होंने बोला है तो प्लेस्ड स्टूडेंट्स, कुछ प्लेसमेंट हुए हैं कि नहीं वो भी देखते हैं। प्लेस्ड स्टूडेंट में अगर जाते हैं तो इन्होंने नाम के साथ, फ़ोटो के साथ इन्फॉर्मेशन वगैरह दिए। तो 2019-20 में रोहित जाधव करके स्टूडेंट का नाम है, सैंकी सॉल्यूशंस में प्लेसमेंट हुआ, जॉब प्रोफाइल सॉल्यूशन एनालिस्ट, बराबर। तो देखते हैं कितने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के नाम हैं यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, अभी जो 22-23 उसके बाद का डेटा अपडेट नहीं किया है, ठीक है। तो एक्चुअली प्लेसमेंट कितना है, कैसा है, ये जो चीज़ है ना, आप वहाँ से एक काम कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं, सीनियर्स, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, अगर कोई कांटेक्ट में आता है आपके तो वो आपको सही जानकारी दे सकता है, या फिर कोई पास आउट हो चुका है उस कॉलेज से, आप कहीं से जुगाड़ कर पाते हैं, उससे कांटेक्ट ले पाते हैं, कांटेक्ट हो जाता है किसी स्टूडेंट से, तो वो भी आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो फीस स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले हम फीस स्ट्रक्चर फॉर या फीस स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, और ये पिछले साल का फीस स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूँ, ट्यूशन फी होती है उसमें, उसके अंदर डेवलपमेंट फी, इंश्योरेंस फी, कॉशन मनी डिपॉजिट, अलग अलग तरह के छोटे छोटे अमाउंट मिला के टोटल फी एक साल का बन जाता है 94-95,000 पकड़ सकते हो आप, ठीक है। तो OBC के लिए यहाँ पर देखिए 50% कंसेशन होता है,
तो उससे 54,000 बन जाता है। SBC के लिए यहाँ पे 100% बन जाता है कंसेशन, NT के लिए भी सेम, और SC ST के लिए ये दोनों यहाँ पर 100% कंसेशन बन जाता है, तो 4,800 फी बन जाता है। SBC और NT के लिए 14,000 के आसपास, बराबर। तो इस साल अगर आप जाओगे तो आई थिंक फीस में आपको चेंज ही देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंज, ज़्यादा नहीं चेंज होगा। तो 94 के जगह पे 1,00,000 के आसपास आप देख सकता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं फिर डायरेक्ट सेकंड ईयर का भी, सेम फीस है, बराबर। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो, उसमें दोबारा बताने की कोई चीज़ है नहीं। तो फीस स्ट्रक्चर फॉर हॉस्टल की देखते हैं। तो यहाँ पर मैं, जैसे कि हमने देखा कि हॉस्टल अवेलेबल है, तो बॉयज़ हॉस्टल का ये एकेडमिक ईयर 17-18 का उन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्टिल 17-18 का ही अवेलेबल है। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी चेंज हुआ होगा फीस स्ट्रक्चर में। तो 17-18 में यहाँ पर बॉयज़ के दो हॉस्टल है, यशोदत्त और स्वानंद नाम से, तो 125 यहाँ पे 35, तो यहाँ पे 1400 रुपये पर मंथ, और स्वानंद में 1300 रुपये पर मंथ हॉस्टल का चार्ज था, बराबर। और एक रूम में 3 स्टूडेंट्स हैं, बराबर। ये फैसिलिटीज़ दिए, वाईफाई वगैरह, वाटर, CCTV, वाटर, वो तो नॉर्मल होता ही है हर एक हॉस्टल में। तो 1400 रुपये पर मंथ, मतलब फीस ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस साल अगर आप जाओगे तो इसमें काफ़ी चेंज भी दिख सकता है आपको। हो सकता है 1400 का 2800 पे हो गया होगा, ठीक है, 2800-3000 कुछ भी दिख सकता है, लेकिन मैं जो अवेलेबल था वो मैं बता रहा हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है यार 1400 का उन्होंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया, 2000 के आसपास, तो वो आपको कॉलेज के अंदर डायरेक्ट कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। तो गर्ल्स हॉस्टल का भी सेम है, गर्ल्स हॉस्टल का इन्होंने 45,000 था उस वक्त पर मंथ, 3800, बराबर, PDs का गर्ल्स हॉस्टल, और अग्रवाल गर्ल्स हॉस्टल का दूसरा एक हॉस्टल इनका, वो 3900, बराबर। तो काफ़ी चेंज है, बॉयज़ हॉस्टल का 1400 और गर्ल्स हॉस्टल का 3800, तो ये 3 गुना है लगभग, ठीक है। आई डोंट नो इतना क्यों चेंज है गर्ल्स हॉस्टल के बारे में, आई थिंक हॉस्टल थोड़ा अच्छा होगा गर्ल्स हॉस्टल का कंपेरेटिव टू बॉयज़ हॉस्टल, इसलिए चेंज होगा। तो ये फीस स्ट्रक्चर एग्जैक्टली होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा नहीं कहना है कि भाई सर आपने तो 1400 बोला था, यहाँ तो आते हैं 3000 है, बराबर। तो आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, बस जो डेटा उन्होंने दिया है अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कट ऑफ होता है वो आपको पता होना चाहिए, कैप राउंड 1 का कट ऑफ है पिछले साल का, बराबर। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखते हैं, तो होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स के लिए ओपन कैटेगरी में 77% तक था कैप राउंड 1 का, तो 50% VJ का, 61 NT1 कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ देख सकते हो अच्छे से वीडियो पॉज करके, ठीक है, और अदर देन होम यूनिवर्सिटी का भी देख सकते हो, बराबर। अब मैं एक बात बता दूं आपको, ये पुणे जो मेन सिटी है वहाँ से थोड़ा दूर है, बराबर। जैसे कि हमने कॉलेजेस देखे, PICT देखा, AISMS देखा, उसके बाद हमने VIT देखा, ये पुणे के सेंट्रल लोकेशन में मेन सिटी में कॉलेज, जैसे कि COEP है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग, IT, ANTC करना है तो 95% के ऊपर कट ऑफ है, बराबर। तो अगर आपका कट ऑफ 70-80 के आसपास है, 70% 80% इसके आसपास है, और आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह ऐसे कोर्सेज चाहिए, तो ऐसे कॉलेजेस आप ज़रूर देख सकते हो। हमने सारे कॉलेजेस कवर किए हैं पुणे के, प्लेलिस्ट में जाओ, हर एक कॉलेज देखो अच्छे से, डेडिकेटेड वीडियो, सेपरेट वीडियो है हर एक कॉलेज के लिए यहाँ पर बनाया हुआ, तो देख सकते हो कट ऑफ कौन सा कट ऑफ मैच होता है आपके स्कोर के साथ। तो वैसे सारे कॉलेजेस आप एक लिस्ट बनाइए और उसी को ही अप्लाई कीजिए, आपका स्कोर देख के, बराबर, कट ऑफ देख के आपको कॉलेजेस को अप्लाई करना चाहिए, राइट। आपके मन के अंदर हो सकता है COEP में चाहिए आपको, लेकिन आपका स्कोर उतना नहीं है तो COEP डालोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मिलेगा ही नहीं। या फिर ऐसे सारे कॉलेजेस डालोगे जो बहुत ज़्यादा कट ऑफ है तो आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो कैप राउंड 2 में जाने के बाद फिर आपको पछतावा होगा कि भाई मुझे सोच के कॉलेज डालने, तो ये हर एक के साथ होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज आपको मिल जाएगा, आपका स्कोर कितना भी हो, आपका पसंदीदा कोर्स भी मिल जाएगा। और हाँ, आपको कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको कोर्स जो चाहिए, अगर कोर्स वही चाहिए कंप्यूटर, तो कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपका स्कोर कम है तो, ठीक है। स्कोर आपका अगर 95% के ऊपर है तो आपको अच्छा कॉलेज कोई भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपको करना ही है, तो आपके स्कोर के हिसाब से कॉलेजेस सिलेक्ट कीजिए, वीडियोस देखिए, लिख के रखिए कॉलेजेस के नाम, ठीक है। और जैसे ही एडमिशन प्रोसेस चलता रहता है, हर एक फेज़ पे मैं आपको गाइड करने के लिए वीडियोस डालते रहूँगा,
जब आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है उसके पहले एक वीडियो आएगा या फिर हम लाइव आएंगे, हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है, क्या करना है चीज़ें। सो डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए आप, मैं बस कॉलेजेस के रिव्यू डाल रहा हूँ, जितना भी अवेलेबल होता है इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं बस देख लो। अभी एडमिशन शुरू होने में थोड़ा टाइम है तो तब तक हम कॉलेजेस देखते हैं, ठीक है। ओके, तो आईटी का देख सकते हैं, अब वीडियो पॉज कीजिए अच्छे से। तो आईटी का भी आई थिंक उससे थोड़ा कम है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन देखिए, इसका भी काफ़ी कम है, ठीक है। पॉज कीजिए वीडियो और अंत में देखते हैं हम ये कौन सा, आई थिंक कोर्स अवेलेबल नहीं था, राइट। कौन से कोर्सेज थे, मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल का यहाँ पर हम देखते हैं। तो मैकेनिकल का तो काफ़ी कम है, 6% है, ठीक है। तो आई होप मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई हैं इस कॉलेज के बारे में, जिससे कि आपको हेल्प हो एडमिशन के दौरान, एडमिशन प्रोसेस में पूरे, ठीक है। और पूरे एडमिशन प्रोसेस में मैं गाइड करूँगा आपको, उसके बाद पूरे एकेडमिक्स के थ्रू आउट मैं आपको गाइड करूँगा, और उसके बाद मैं करियर के लिए भी आपको गाइड करूँगा, हर तरीके से मैं आपको गाइड करूँगा। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, जो बेल आइकॉन वगैरह होता है वो प्रेस कीजिए, जो भी आपको पता है वो कर लीजिए। और रुकते हैं फिर यहाँ पर, मिलते हैं एक और ऐसे ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।